कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार को भदोही दौरे पर रहे। अजय राय सबसे पहले सपा विधायक जाहिद बेग के पैतृक आवास पहुंचे, जहां उन्होंने सपा विधायक जाहिद बेग के परिवार के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान अजय राय ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और सरकार पर विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न के भी आरोप लगाए। आज मैं आया यहाँ पे, आज हम यहाँ के वर्तमान विधायक जाहिद बेग जी के घर पे आए हैं। निश्चित तौर से यहाँ उन लोग आए हैं जिनके परिवार के साथ जिस तरीके का अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, ये दुखद है। पूरा परिवार परेशान है, दुखी है और पूरे अंदर से घबराए हुए हैं। जिनके पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति की रही, इनके पिताजी यहाँ के सांसद थे और पूरे परिवार यूसुफ बेग साहब, पूरा परिवार गरीबों की बात, साधारण लोगों की बात और उनके साथ काम करने के लिए भदोही के विकास में इनका बड़ा योगदान है। उनको प्रताड़ित और उनको पूरी तरीके से परेशान किया जा रहा है। पूरी कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ, इस पूरे इनके साथ खड़ी है। हम सब लोग इनको ताकत देंगे, बल देंगे, जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी के हम सिपाही हैं, प्रियंका जी के सिपाही हैं और हम लोग आज यहाँ उनके निर्देश पे आए हैं। पूरी ताकत के साथ हम इस परिवार का। आप विधायक की लोग, आपको बता दें कि सपा विधायक के आवास पर नाबालिग नौकरानी ने आत्महत्या कर ली थी। उनके साथ ही पत्नी सीमा बेग पर बाल श्रम आत्महत्या को उकसाने का मामला दर्ज है, जबकि बेटे जईम बेग पर आत्महत्या को उकसाने का प्रकरण दर्ज किया गया है। पिता पुत्र जेल में है जबकि पत्नी फरार चल रही है। वहीं इसके बाद अजय राय सूर्यामा के 52 बीघा तालाब स्थित हनुमान मंदिर गए। इसी मंदिर में एक दिन पहले पुजारी की हत्या हुई थी। भदोही से पंजाब के सीटीवी के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।